55 साल के जन्नत अंसारी की हत्या कर दी गई। वह पेशे से मजदूर थे। उसकी लाश रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के तरंगा गांव के बहेरा गढ़ा पुल के पास से मिली। जन्नत अंसारी के मारे जाने की फैली खबर के बाद उसके गांव के लोगों का गुस्सा उबाल पर है। उसका घर रांची के बूढ़मू थाना क्षेत्र के मोरूपीरी पंचायत चाया गाँव में है। गुस्साए लोगों ने रास्ते में ही शव को रोक दिया है। आक्रोशित लोग मौके पर बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। उनकी मांग है कि हत्यारों को 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करे, वहीं आश्रितों को 10 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। सुनिए क्या बोले मृतक जन्नत अंसारी के परिजन। मेरा भाई दैनिक कार्य के लिए तरंगा बस्ती काम करने के लिए गए हुए थे। उसमें 6 बजे शाम तक जब नहीं लौटे तो 7 बजे तक हम लोग को फिर खोजने के दौरान जो है तो हम लोग को कुछ खून का धब्बा मिला रास्ते पर। फिर उस खून के निशान से हम लोग घटनास्थल तक पहुंचने में कामयाब हुए। जब जांच किए तो एक गड्ढा पर बहता हुआ नाला में पत्थर बांधकर लाश को पानी में डाल दिया था। उसके बाद हम लोग फिर थाना को फिर सूचना दे करके थाना प्रभारी चान्हो थाना प्रभारी महोदय आए। हम लोगों का चान्हो थाना प्रभारी चान्हो इंस्पेक्टर और बढ़ू थाना प्रभारी के साथ वार्ता हुई है। आश्वासन दिया है कि जो भी हत्यारा है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों ने मांग रखा है कि अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग इसमें चरणबद्ध आंदोलन और उग्र आंदोलन करेंगे। उनकी मोटरसाइकिल एक कुआं में मिली है, बाकी पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है। और जो अभी जो मतलब बताए हैं इस तरह की बात, जो भी संभावना हो सकती है उसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह और भावना ठाकुर की रिपोर्ट।